बुरहानपुर जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत पटौंदा के 2 आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत काफी खराब है। आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन जर्जर स्थिति में हैं। वहां की कार्यकर्ताएं बच्चों को बरामदे में बैठा रही हैं, जिस वजह से पालक अपने बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजने से मना कर रहे हैं। आपको बता दें, इन दोनों आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की दर्ज संख्या करीबन 300 है, लेकिन भवन की जर्जर हालत के चलते महज 30 बच्चे ही आंगनवाड़ी केंद्र पहुंच पा रहे हैं। वहीं इस मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी महेश मेहरा ने कहा कि इंजीनियरों से जर्जर भवन की परीक्षण कराया जाएगा। अगर रिपोर्ट में भवन उपयोग करने के लिए अयोग्य आता है तो भवन को धराशायी कर नया भवन निर्माण कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। बुरहानपुर से संवाददाता गोपाल देवकर की रिपोर्ट। परेशानी यही है कि मिट्टी वगैरह सब है, उसमें बच्चों को खेलना पड़ता है और करीब 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष से ये ऐसे ही है, आंगनवाड़ी भी वैसी है और सारी कोई सुधार वगैरह नहीं हुई है। यही होती है कि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और खाना खाते हैं तो वो वहाँ की मिट्टी धूल उड़ के उनके खाने में चली जाती है, तो वो भी डर लगता है कि बच्चे मिट्टी नहीं खा लें। और छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं मंगलवार के दिन खीर पूड़ी खाने के लिए, तो वो बच्चे मिट्टी में मिट्टी खाने लग जाते हैं। तो हम लोग तो वो दवाइयाँ ही देते हैं कि बच्चों को मिट्टी नहीं खाए, बच्चे का इलाज है, पर वो मिट्टी है तो मिट्टी खाते ही हैं, तो वो भी डर लगता है, वो भी ध्यान रखना पड़ता है छोटे बच्चों का। आपने अपने सुपरवाइजर अधिकारी को बताया? हाँ, देख के गए हैं, सुपरवाइजर मैडम ने भी देख के गए हैं, तो उन्होंने बोला कि आप दूसरी जगह आंगनवाड़ी किराए से ले लीजिए। ये आंगनवाड़ी क्रमांक 2 नंबर पर है और ये पाटौंदा है और मेरा नाम आबेदा मुबारक तड़वी है। ये बताइए कि आप बच्चों को बजाय कक्ष के पढ़ाने के बाहर क्यों पढ़ा रही हैं? क्योंकि सर, ये कारण है उसका, क्योंकि अंदर बहुत एकदम बैठने लायक नहीं है, परिस्थिति बहुत ख़राब है हमारे आंगनवाड़ी की, तो हम उसके लिए बाहर बिठाते हैं और हम लोग भी बाहर बैठते हैं और बच्चों को बाहर बिठाते हैं। ये हालात कितने समय से है? इसको हो गए होंगे 7-8 साल। इसमें जो आंगनवाड़ी मरम्मत के लिए पंचायत के माध्यम से एस्टिमेट बनवाया है और उस एस्टिमेट को जिला कार्यालय में भी प्रेषित कर दिया गया है, जैसे उसकी राशि आती तो उसकी मरम्मत की जाएगी। और चूंकि हम जब गए थे निरीक्षण में, तब उसकी स्थिति देखकर हमने आंगनवाड़ी जो पंचायत भवन का हाल है वहाँ पर बच्चों को बिठाने के लिए सचिव से भी बात की थी और उन्होंने भी हामी भरी थी।